श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालू निर्खुने मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया अक्षरातीत के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री राज जी ने श्री महामती जी के द्वारा आवेश स्वरूप में आकर आवेशित वाणी इतनी सुंदर उन्होंने योग माया का जो वर्णन किया है वो हम आज करेंगे। और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, सखियों के सिरदार सखियों के बहुत ही सुंदर नाम लिखकर भेजे गए, और उसके लिए मैं विजय आंटी, मंजुला जी और जयश्री बेन अटारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने वो नाम लिखकर भेजे या फिर उनकी फोटो मुझे लेकर भेजी जो सुंदर साथ के घर में फ्रेम होकर पड़ी हुई है। उसको सुंदर साथ जी मैंने नहीं सजाया है, क्योंकि कोई भी सुंदर साथ सेवा करे क्रेडिट स्वयं नहीं लेना चाहिए। उसको एक ऐसी बच्ची ने सजाया है जिसने अभी तारतम भी नहीं लिया। सुंदर साथ जी, क्या आप मान सकते हैं इतने भाव से उसने उन नामों को सजाकर सुंदर साथ के सामने लाए कि 225 से ज्यादा शेयर्स उनके फेसबुक पर हो चुके हैं। उस बच्ची ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि प्लीज गुप्त रहना है, मेरा नाम नहीं लेना, बहुत स्ट्रिक्ट वो है, मुझे आदेश है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी। पर अति सुंदर सेवा, हम सब सुंदर साथ की तरफ से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बेटा, आपके पेरेंट्स को बहुत 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 बधाई कि इस प्रकार के संस्कार आप में रोपित किए जा रहे हैं। अभी तारतम लिया नहीं है सुंदर साथ जी, तो सोचिए जब पालव धनी से बंध जाएगा तो सेवा में अभी इतने निखर कर सामने आ रहे हैं, क्यों ना हमारे बच्चे भी आए। यदि आपके बच्चे किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई और सेवा करना चाहते हैं तो कृपया आशीष जी से या फिर मुझे कॉल करके या फोन करके या फिर मैसेज करके जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, एक बहुत ही सुंदर चौपाई हमने पढ़नी है जो मैंने कल आपको बोला था। एक्चुअली ना, नया नया पढ़ना शुरू करो तो पढ़ने से दिल में तो बैठ जाता है पर याद नहीं रहता कि वो कौन सी चौपाई में पढ़ा था, तो ढूंढने में कई बार फिर से फ्लैशबैक में जाने में समय लग जाता है। तो कल रात को मैं ढूंढती रही बैठ के कि सुंदर साथ को आज दिखानी है, वो चौपाई कहाँ गई, तो धनी की मेहर से वो चौपाई मिल चुकी है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ सुंदर साथ जी, स्वामी जी के टीका से बाद में उन चौपाई को श्रृंगारित भी कर दिया है, पर पहले स्वामी जी के टीका से हम उनको पढ़ेंगे। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, ध्यान देकर मैं इनको बड़ा कर देती हूँ ताकि सब सुंदर साथ के मोबाइल में भी ये पढ़ने में आए। हाँ जी सुंदर साथ जी, ध्यान से देखिएगा इनको। पूरु मनोरथ तम तना, ये श्री रास ग्रंथ में है और इनका पेज नंबर है 425।
और ये 11 प्रकरण की चौपाई है। अच्छा हुआ इनमें प्रकरण दिख रहा है और चौपाई नंबर भी 11 ही है। इसको ध्यान से आप पढ़ते जाइएगा। मैं तुम्हारी प्रेम की पूरु मनोरथ तम तना, करार थाए जीव जेम, सखी जीवन मारा जीव तमे छो, कहो करूं हूं तेम। मैं तुम्हारी प्रेम की चाहत को पूर्ण करूंगा, जिससे तुम्हारे जीव को आनंद मिले। हे सखियो, तुम मेरे जीव के जीवन हो, इसीलिए तुम सभी जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब इसका भावार्थ जो स्वामी जी ने लिखा है ना, एक बात मैं आपको और बीच में बताना चाहूंगी। हम जो भी एक-एक शब्द सुंदर साथ जी स्वामी जी के, श्री राजन स्वामी जी के टीका को आधार, यानी के महामती जी की आवेशित जो राज्य की वाणी है वो आधार, मूल आधार, और उसके बाद जो हम अभी कर रहे हैं श्री राजन स्वामी जी के टीका को आधार बनाकर कर रहे हैं, तो एक एक शब्द हम उन्हीं से ही करेंगे क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। हाँ जी, उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में श्री राजजी के द्वारा कहा गया है कि सखियो, तुम मेरे जीव के जीवन हो। तो यहाँ ये संशय पैदा होता है कि क्या अक्षरातीत के स्वरूप में भी जीव का अस्तित्व है। इसका समाधान, रास की बात हो रही है, महारास की, इसका समाधान इस प्रकार है। वस्तुतः आशिक यानी प्रेमी के लिए उसका माशूक, प्रेमास्पद ही उसके जीवन का आधार होता है। अपने माशूक के बिना आशिक अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं करता। इस लौकिक जगत में जिस चैतन्य के शरीर में रहने से पूरा शरीर चेतन बना रहता है, उसको जीव कहते हैं। इसी तथ्य को दर्शाने के लिए लौकिक भाव में जीव का, ये देखिए, लौकिक भाव में जीव का जीवन कहा गया है। अक्षरातीत, यहां से बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। हाँ जी, और इसको ऑन करती हूँ ताकि हम नीचे जाएं तो वो पेज ऊपर नहीं जाए, होपफुली। हाँ जी, तो ये देखिए अक्षरातीत, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जिस तन में विराजमान हो, अक्षरातीत तो रेड कलर से होने चाहिए, अक्षरातीत जिस तन में विराजमान हो, इसको ध्यान से याद रखिए, अगले पेज पे चल रहे हैं हम। अक्षरातीत जिस तन में विराजमान हो, कहाँ की बात हो रही है, महारास की, उस तन को कार्यशील होने के लिए जीव की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी स्थिति में उनकी मृत्यु की संभावना है, क्योंकि अपने ही सत अंग अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण के द्वारा सारी सृष्टि को जीवन शक्ति वही दे रहे हैं। पर यहाँ प्रेम की अभिव्यक्ति उन्होंने ऐसे की कि मेरे जीव का जीवन तुम हो, पर यहाँ उन्होंने महारास के बारे में ये बता दिया कि वहां पर राज्जी के नूरी तन को कार्यशील होने के लिए जीव की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये एक और चौपाई में भी आया था, वो भी मैं ढूंढने का प्रयास करूंगी। तो इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि राज्जी के उसमें कोई जीव नहीं। आगे देखिएगा, इसको और क्लियर किया है सुंदर साहब जी बहुत ही ध्यान से। यद्यपि ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के जिस तन में बैठकर उन्होंने लीला की, उसमें विष्णु भगवान का जीव अवश्य था। ये हम सब समझ चुके हैं, ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी का उन्होंने जो तन लिया, श्री कृष्ण जी नाम का, उस तन का जो नाम धराया गया, उनमें विष्णु भगवान का जीव अवश्य था। किंतु रास में जिस श्री कृष्ण बांके बिहारी के तन में विराजमान होकर श्री राजजी ने लीला की, उन्होंने लीला की यानी कि उनके आवेश ने, वह स्वयं चैतन्य नूरी तन है और उसको जीवित रहने के लिए किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि महारास में
श्री राजी जो थे वो नूरी तन में थे, अक्षर आतम, क्योंकि उनका आवेश जहां होता है नूरी तन के ऊपर, धनी जी का आवेश, आवेश जहां होता है वहां जोश जरूर होता है, तो अक्षर आतम के ऊपर उनका आवेश आया, जोश आया, अक्षर आतम जोश धनी धाम, आवेश धनी धाम, और नूरी तन नो जीव एट ऑल, यहां से हमें ये पता लगा। हां जी, तो यदि आप चाहें तो मैं एक बार फिर इनको पढ़ देती हूँ। यद्यपि ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के जिस तन में बैठकर उन्होंने लीला की उसमें विष्णु भगवान का जीव अवश्य था, किंतु रास में जिस कृष्ण बांके बिहारी के तन में विराजमान होकर उन्होंने लीला की वह स्वयं चैतन्य नूरी तन है और उसको जीवित रहने के लिए किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। तो इससे कुछ प्रश्न भी मन में आते हैं कि रूहों के भी नूरी तन ही उन्होंने दिया, आई नो दैट, पर कुछ चीजें जो स्वामी जी ने लिखी हैं हम 100% समर्पण करके, विश्वास ईमान करके उसको मानेंगे। उन्होंने कहाँ लिखा है कि सखियों ने जीव धारण किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, क्योंकि कुछ बातों के कारण स्वामी जी ही बता सकते हैं सुंदर साथ जी, मैं केवल पढ़ के आपको बता पाऊंगी। रास की रामतों के समय अक्षर की आत्मा और जोश के साथ अक्षरातीत के आवेश ने ही लीला की। उस समय सखियों के, ये ध्यान दीजिएगा बहुत, एक ही चौपाई में सब कुछ है। उस समय सखियों के एक-एक तन में ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि जहां भी आता है उसका मतलब सुरता होता है मोस्ट प्रोबेबली, यानी के आत्मा या सुरता, अपने जीव के साथ ब्रह्म सृष्टि अपने जीव के साथ थी, तथा दो दो ईश्वरी सृष्टि, दो दो ईश्वरी सृष्टि जहां भी आती है तो ये भी उनकी, ये भी सुरता होती है हमेशा मोस्ट प्रोबेबली हर चौपाई में। दो दो ईश्वरी सृष्टि उनके जीव नहीं बोले, ब्रह्म सृष्टि अपने जीव के साथ और दो दो ईश्वरी सृष्टि उस तन में विद्यमान होकर रास की लीला देख रही थी। कुमारिकाओं, कुमारिकाएं कौन थी? ईश्वरी सृष्टि जो ब्रज में थी, ये है कुमारिकाओं के जीव। अब ईश्वरी सृष्टि के जीवों की बात हो रही है, वो कहाँ गए वो हमने करना है अभी, पर चौपाई हम यहाँ पे पूरी ही पढ़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसको फिर से देखते हैं। उस समय सखियों के एक-एक तन में ब्रह्म सृष्टि अपने जीव के साथ थी और दो दो ईश्वरी सृष्टि उस तन में विद्यमान होकर, कौन से तन में विद्यमान होकर? चैट में लिख सकते हैं सुंदर साथ जी, कौन से तन में विद्यमान होकर रास की लीला देख रही थी? दो दो ईश्वरी सृष्टि देख रही थी क्योंकि उनको वो लीला देखनी है, रास की लीला देख रही थी नूरी तन में विद्यमान होकर, रास में कुमारिकाओं के जीव यानी ईश्वरी सृष्टि के जो जीव कहाँ पे थे? ब्रज लीला में। कुमारिकाओं के जीव सबलिक के कारण में ब्रज लीला में अखंड हो चुके थे, जो बाद में प्रतिबिंब की सखियों के रूप में अवतरित हुए। ये हमने अभी समझना है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पार्ट हमने अभी समझना है। तो यहां तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको बहुत सुंदर कोशिश की है मैंने श्रृंगारित करने की, पर मैं चाहती थी कि आप इसको स्वामी जी के टीका में ओरिजिनली देखो, क्योंकि उसको कॉपी करने में कुछ गलती भी हो सकती है। ये देखिए, ये आपके साथ आज शेयर कर दिया जाएगा सुंदर साथी, सेम प्रकरण 11 चौपाई भी 11, ये देखिए पूरा सब वही इसमें लिखा गया है जो अभी अभी हमने पढ़ा। मैं इसको पक्का करना चाहूंगी स्वामी जी के टीका के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने ना तो इतनी साधना की है सुंदर साथ जी, ना हम स्वामी जी के चरणों की धूल के भी बराबर हम हो सकते हैं, तो जो उन्होंने लिखा हमारे लिए वो 100% इस टाइम ट्रू है, तो इसलिए हम इसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि कल काफी सारा इस पे डिस्कशन आ रहा था, और भी हमने ये बहुत जो येलो में किया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि ध्यान से, ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के जिस तन में उन्होंने बैठकर लीला की उसमें विष्णु भगवान का जीव था, पर रास के नूरी तन में
चैतन्य नूरी तन में राज्जी का कोई जीव उन्होंने नहीं लिया है, पर ब्रह्म सृष्टियों ने सखियों के, ये देखिए सखियों के एक-एक तन में ब्रह्म सृष्टि अपने जीव के साथ थी, और दो-दो ईश्वरी सृष्टि, जीव के साथ नहीं लिखा हुआ, दो-दो ईश्वरी सृष्टि उस तन में विद्यमान होकर रास की लीला देख रही थी। तो ये और भी जगह प्रमाण आता है कि ईश्वरी सृष्टियों के उसमें जीव नहीं थे। तो आई होप कि सुंदर साथ जी को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं, सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी बहुत ही प्यारी लीला समझने के लिए कि योग माया धनी ने कितनी सुंदर, कितनी प्यारी निर्माण की है। मैं एक बार कल का, जो सुंदर साथ नए हैं उन्होंने बोला था, तो मैं एक बार फिर से ये शेयर कर रही हूँ ताकि कल का एक बार केवल 2 मिनट्स में हम उसको रिपीट करेंगे। सुंदर साथ जी, हाँ जी, किस प्रकार सुंदर साथ जी हम आए थे, ब्रज में हम थे, और उसके बाद क्या हुआ था आप मुझे बताते जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, आई थिंक वो मैंने कहीं और ही सेव, हाँ जी मिल गया, इसको ना मैंने सही भी किया है सुंदर साथ जी, थोड़ी सी फोटो की वो थी यहाँ पे, कुछ कल ना थोड़ा सा अंदर जा रहा था, तो इसकी फोटो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, कल हमने क्या किया था, अव्याकृत ब्रह्म, सूत स्थूल, सूक्ष्म कारण, और उसके बाद आता है महाकारण। अब अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण और सबलिक ब्रह्म का स्थूल, वो एक ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसको कभी कभी अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण करके कहा जाता है और कभी कभी सबलिक ब्रह्म का स्थूल कहा जाता है। तो ये हमने किया था, और हमने क्या किया था सुंदर साथ जी, क्विकली उसको हम रिपीट करेंगे कि ब्रज से, अब यहां से हम काल माया से चले थे, हाँ जी, ये काल माया से चले ब्रज से, सखियों ने तन छोड़ दिए काल माया में, तन आगे नहीं गए, ये जा रहा है उनका, उनकी आत्म आगे चली गई, कहाँ पर, केवल ब्रह्म बुद्धि के स्वरूप में श्री राज्जी से महारास करने, उनका जीव भी वहां पर गया, ये ब्रह्मात्माओं की बात हो रही है सुंदर साथ जी। और साथ में उनको क्या मिला, नूरी तन, जीव जो कि ब्रज के ब्रह्मांड वाला ही जीव है, इतनी उसकी महिमा है कि उसको वहां पर अखंड कर दिया जा चुका है। कब उनको अखंड किया गया वो हम करेंगे। तो नूरी तन जीव, ब्रह्म सृष्टि का जीव, आत्म यानी के जिनकी पर आत्म विराजमान है मूल मिलावा में, तो उसी को आत्म कहते हैं, यानी ब्रह्म सृष्टियों की जो आत्म है, और उसमें दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी आ चुकी है, तो 5 उसमें होंगे श्री केवल ब्रह्म में। राज्जी में क्या क्या रहा, राज्जी का नूरी तन नो जीव एट ऑल, और उसमें क्या रहा, अक्षर आत्म, जोश धनी धाम, आवेश धनी धाम सबसे पहले, है ना। तो उसमें 4 हम काउंट करेंगे, तन, नो जीव एट ऑल, आवेश धनी धाम, जोश धनी धाम, और अक्षर की आत्म। ईश्वरी सृष्टि में क्या क्या रहा सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि की, अब ईश्वरी सृष्टि के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूं, ईश्वरी सृष्टि की सुरता, सुरता यहां पर पहुंची जैसे कि हमारी पहुंची, जीव उनका नहीं पहुंचा, जीव ईश्वरी सृष्टि का यहाँ नहीं पहुंचा, वो कहीं और पहुंचा है, वो कहाँ पहुंचा है वो हम बाद में करेंगे, वो बाद में। तो नो, सिर्फ दो दो ईश्वरी सृष्टि, दो दो क्यों बैठी सुंदर साथ जी एक तन पे, 24,000 ईश्वरी सृष्टि हैं, तन 12,000 हैं, तो एक तन पे दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं और एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता, यानी के 36,000 12,000 नूरी तनों में समा गई हैं ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। अब जीव सृष्टि की कोई सुरता होती नहीं है तो वो आगे कहाँ से जाएगी, है ना। जीव सृष्टि के पास जीव होता है, वो केवल ब्रह्म में नहीं पहुंचा, वो कहाँ गया, सिर्फ ब्रज मंडल के जीवों की बात हो रही है, वो कहाँ गया वो हम बाद में करेंगे कि कहाँ अखंड हुई वहां उनके जीव गए। आई होप सभी सुंदर साथ जी को ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी आगे की योग माया की सुंदरता को निहारने के लिए कि वो कितनी सुंदर धनी जी ने बनाई है। आइए चलते हैं, हाँ जी, बस 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी सुंदर साहब,
हाँ जी, तो धनी जी ने अपनी आवेशित वाणी में महामती जी के धाम हृदय में बैठकर इतनी सुंदर योग माया की सुंदरता का जो वर्णन किया है ना, उन्होंने लिखा है, केवल ब्रह्म के अंदर नित्य वृंदावन की शोभा को भला हमारे अतिरिक्त अन्य कोई कैसे जान सकता है। यदि महारास के समय हमारे अतिरिक्त वहां कोई दूसरा होता तभी तो वो जान पाता इसकी शोभा को। आनंद योग माया की भूमिका जो है ना वो जागृत है। वहां के जल, धरती, वायु, अग्नि, पांचों तत्व, चर अचर यानी पेड़ पौधे पशु पक्षी सब चेतन स्वरूप हैं। काल माया का ब्रह्मांड नींद का है, पर योग माया का ब्रह्मांड कछु नींद कछु जागृत यानी के थोड़ी थोड़ी स्वप्नावस्था जैसा है। इसके विपरीत परम धाम पूर्ण रूपेण जागृत है। वहां के कण कण में अक्षरातीत का स्वरूप ही क्रीड़ा कर रहा है। योग माया की धरती के एक कण में इतना तेज है कि उसके समक्ष इस संसार के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। वहां की भूमि के एक कण के प्रकाश के सामने तो यहाँ का सूर्य दिखाई भी नहीं देता। महामती जी कहती हैं, यदि मैं नित्य वृंदावन की उपमा सोने, हीरे, मोती आदि जवाहरातों से दूं तो ये भी झूठा सा ही लगता है। उस अखंड मंडल की अनुपम शोभा को ना तो मुख से कहा जा सकता है और ना लेखनी से लिखा जा सकता है। अगर मैं वहां के एक पत्ते की शोभा का वर्णन करने का प्रयास करूं तो भी इस जिह्वा से हो पाना संभव नहीं है। नित्य वृंदावन के एक पत्ते में इतना तेज है कि उसके समक्ष करोड़ों सूर्यों और चंद्रमा का प्रकाश मध्यम हो जाता है। नित्य वृंदावन में पूर्णमासी का चंद्रमा अत्यधिक शीतल तेज से जगमगा रहा है। वहां के वन के सभी वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी, पांचों तत्व भी तेजोमयी हैं। चर अचर सभी पदार्थ तेज स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। एक एक कण से तेज ही तेज निकल रहा है। नित्य वृंदावन और वहां की धरती से नूरमयी किरणें निरंतर उठ रही हैं। ऊपर आकाश से चंद्रमा के शीतल प्रकाश की किरणें आ रही हैं। सुंदर साथ जी, स्वयं को वहां महसूस करने की कोशिश कीजिए। हमारे तन भी नूरमयी हैं। इस प्रकार सारा वातावरण नूरमयी है। ऐसी अनुपम शोभा वाले नित्य वृंदावन में हमारे तन प्रियतम के द्वारा धारण किए गए तन के साथ प्रेममयी रास क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग माया के वस्त्रों और आभूषणों की शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता, ऐसा महामती जी कहते हैं। तो यहाँ के अखंड स्वरूपों यानी योग माया के अखंड स्वरूपों यानी राज श्यामा जी और सखियों के द्वारा धारण किए हुए तनों के सुख को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर वर्णन ये किया गया महामती जी के द्वारा। और ये सुंदर साथ जी कलश हिंदुस्तानी में ये वर्णन बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। आप सभी सुंदर साथ इसको जरूर आत्मसात कीजिएगा। हाँ जी, सुंदर साथ जी रास ग्रंथ में भी बहुत प्यारा वर्णन, वृंदावन देखाड्यू छे, वृंदावन की अनुपम शोभा का वर्णन श्री राज जी कहते हैं, हे मेरी जीवन स्वरूपा, हे सखियो, कितने लाड़ भरे शब्द सुंदर साथ जी। हे मेरी जीवन स्वरूपा, हे सखियो, तुम वृंदावन की अनुपम सुंदरता को देखो। इसमें अनेक प्रकार के अनंत वृक्षों एवं लताओं की संख्या है। तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से इस वृंदावन की शोभा को दिखाता हूँ। सुंदर साथ जी, परम धाम में हमने कितने वनों की शोभा देखी और एक-एक वन, एक-एक फल, एक-एक ड्राई फ्रूट कैसे राज जी उसको वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। इसमें से इस वृंदावन में आम,
इमली, अशोक, अंजीर, अखरोट, अनानास, चिरौंजी और चंपा के वृक्षों की भी शोभा को देखो। धनी आगे आगे चलकर सखियों को सारा वृंदावन दिखा रहे हैं। इसमें सागौन, शीशम, सेमल, सुहांजना, सिरस, सुपारी, सौंफ, चंदन, गुलमोहर और अर्जुन के अति ऊंचे और भारी वृक्षों को देखो सखियो। वट पीपल, बांस, बकुल, मौलिश्री, अरहर, केवड़ा, केला, कपूर, कुसुम और केशर के अति घने, अति सुंदर पौधों को देखो। मेहंदी, दालचीनी, मलयागिरी, चंदन, अनार, जीवंती, अंगूर, बियो, बादाम, बेल, बिजौरा, नींबू, रुद्राक्ष और भद्राक्ष के वृक्ष भी हैं। देखो सखियो, आगे आगे जाते हुए बालाजी सब सखियों को ये वृक्ष के नाम गिना गिना कर दिखा रहे हैं। छोटा पाकड़, पारस, कल्प वृक्ष, साल, सिसोटा, कटहल और शहतूत भी हैं। तो ककड़ी, खीरा और फूट जैसी लताओं के पौधे भी हैं। इनके अतिरिक्त ताड़ जैसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। ताड़ के वृक्ष तो ताड़ वन तो हमने परम धाम में भी देखा है, बहुत सुंदर, अति ऊंचा। वहां खिरनी, रोइन, रामफल, रायसन, नीम, नींबू और लौंग के भी वृक्ष हैं। सुंदर साथ जी, योग माया में इतने प्रकार के वृक्ष, तो सोचिए परम धाम में कितनी प्रजातियां वृक्षों की हुआ करती हैं। इसके अतिरिक्त क्या क्या बताते हैं महामती जी? तेज पात, तुलसी, अदरक, इलायची आदि के अति सुगंधित पौधे हैं। केवड़ा, कत्था, कपूर, काचली, तोरई, भारंगी, सेवण, सेवण यानी सवा की तरह की एक घास, गन्ना, जिमीकंद यानी सूरन, सिंगोटी, इसको सिंघाड़ा भी कहते हैं, नारियल, संतरे के वृक्ष अति सुशोभित हो रहे हैं। अरणी, गूलर, बहेड़ा, जामुन, जाल, गोंदनी, गुंदी, नागर मोथा, गूंगल, गंगोटी, गुहला और गिरिमाल के भी वृक्ष हैं। इतने वृक्षों के नाम कभी हमने सुने भी नहीं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर उमरो, अगस्त, इमली, आंवला, अकलकरा, अमृत, करौंदा, कगर, करंज और अति सुंदर लगने वाला कतंब का वृक्ष भी शोभायमान हो रहा है। बूंद, बखैन, कोठ, करपटा, निगोड़, कचमोद, काली मिर्च, पानरी, वन तुलसी, अकोल और आंख सेत्र के भी पेड़ हैं। कमलगट्टा, खरबूचा की बेलें, बेर, बहेड़ा, हिरवणी जो कि कपास की एक जाति होती है, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, मोहला और महुआ आदि के वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखा रहा है सुंदर साथ जी? नूरी तन में विराजमान मेरे धनी का आवेश, वो दिखा रहा है। एक एक वृक्ष का नाम लेकर सुंदर साथ जी, धामणा, धवरू, सौंफ, सेब, भोजपत्र, खसखस आदि के खिले हुए फूल धरती के ऊपर खुले हुए छत्र के समान अनुपम शोभा से युक्त दिखाई दे रहे हैं। माजू फूल, बरछड़ा, बड़ बोहोनी, शकरगंध, पुनाग, करकट, भैरव श्रृंगी, पलाश, अकथ और आक के अति सुंदर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इन पेड़ों से ही श्री रास ग्रंथ में कितने सुंदर साहब जी, कितनी चौपाइयां हैं। इतनी सुंदर, टेवरू, कुंदरू ने कबोई, कांकसी ने कलूंब, खेजड़, खजूरी ने खाखरा दी से, केसु तनी अति लूंब, टेवरू, कुंदरू, कबोई, कांकसी, कलूंब, खीजड़ा, खजूर, खाखरा और केशु वृक्ष के झुंड दिखाई दे रहे हैं। पर्वती, प्रवाली, पाडर और पान की बेलें बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। आल, अकोल, बेर, उपलेटा, दुधेला और देवदार के वृक्ष भी अति अलौकिक लग रहे हैं। इसी प्रकार से चमेली, चणक, गुंजा, श्वेत गुंजा,
कुमुद, सेम, सेम की फली हमने सुनी हुई है, तारई, भिसोटी, गोडा, गुलछड़ी और रजनीगंधा के फूल बहुत सुहावने लग रहे हैं। सोचिए धनी जी अपने मुख से जब इनके नाम ले रहे होंगे तो कितना प्यार, कितना लाड़ बरस रहा होगा कि मैं पूरा वृंदावन सखियों को स्वयं आज आ आ कर आगे हो कर धनी जी दिखा रहे हैं। जाई जूही, जासू, जायफल सखियो, जाए जावंत्री, सूर्यवंशी, सनगोटी, सुआ और सेवंत्री के फूल अति मनमोहक लग रहे हैं। कुष्मांड, कालिंगी, करेला, गोल आकृति वाली लौकी, तरबूज, कोठवड़ी, चना, ककड़ी की जाति की एक बेल, टिंडोरा और खरबूजे की अति सुंदर बेलें दृष्टिगोचर हो रही हैं। सुंदर साजी, ये फल फूल भी कितने नूरी होंगे योग माया की धरती पर। गुलाब, कफी, डोलरिया, दुधेली, दोफारी, कमल फूल, कनेर, केतकी, मोगरा और झरमरी के अति सुंदर मनमोहक फूल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, लाजवंती, बालोलिया, परवालिया, ओलिया, आर्या, आर्या यानी ककड़ी का फूल तो धनी जी ने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लिखा, वो तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है जैसे प्रातः काल की लालिमा में कलंगी दिखाई दे रही हो। हजार पाखुड़ी वाला गेंदे का फूल, सुंदर साथ जी, हजार पाखुड़ी वाले फूलों की फूल बाग में श्री परम धाम में कितनी सुंदर महिमा है। यहाँ देखिए योग माया में हजार पाखुड़ी वाला गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है जिसके स्वर्णमयी पराग खिले हुए शोभायमान हो रहे हैं। अलग अलग रंगों की लताओं ने संपूर्ण वृंदावन का अलग ही श्रृंगार किया हुआ है। अनेक प्रकार के साग, फल, अन्न, कंदमूल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन सब का स्वाद अलग अलग प्रकार का आया है। इस तरह नित्य वृंदावन अति सुंदर शोभा को धारण किए हुए है। क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी, हे साथ जी, इस निकुंज वन की शोभा को देखिए। यहाँ भी निकुंज वन सुंदर साथ जी, जिसमें लताओं ने वृक्षों के ऊपर चढ़कर मंदिरों का रूप धारण कर लिया है। ये मंदिर इस प्रकार की शोभा में दिखाई दे रहे हैं जिसमें अनेक प्रकार के रंगों का समावेश हो। कितना सुंदर वो निकुंज वन होगा सुंदर साथ जी। वृक्षों की लंबी लंबी डालियां एक दूसरे के ऊपर फैली हुई हैं। संपूर्ण नित्य वृंदावन नए नए पत्तों से खिला हुआ दिख रहा है। आज तो उसकी शोभा अलग ही है सुंदर साथ जी। सखियां आई हैं धनी के साथ महारास खेलने के लिए। वृक्षों में फल इतने नीचे हैं कि आप धरती पर से खड़े होकर उन्हें तोड़ सकते हैं। नित्य वृंदावन की इस प्रकार की अलौकिक छवि का महामती जी कहते हैं मैं कहाँ तक वर्णन करूं। दूसरी अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनमें बौर लगी हुई है, उनमें से कितनों का वर्णन करूं। यमुना जी, यमुना जी का तट बहुत ही सुंदर है। वहां किनारे पर बैठने के लिए फूलों के सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। यमुना जी के दोनों किनारों पर वृक्षों की डालियां जल के ऊपर आई हुई हैं। सुंदर साथ जी, परम धाम में भी यमुना जी में जल चबूतरे को ढकती हुई वृक्षों की डालियां है ना, तो उसी का तो प्रतिबिंब यहाँ पर है। एक्चुअली में वही की शोभा का थोड़ा सा यहाँ पे रस मिलता है अति अल्प मात्रा में। अनेक प्रकार की वनस्पतियों से भरपूर इस नित्य वृंदावन की शोभा अखंड है। यहाँ का आनंद भी अखंड है। यमुना जी के दोनों किनारों के जल के ऊपर आई हुई वृक्षों की डालियों के साथ अनेक रंगों की लताएं लिपटी हुई हैं। इन लताओं में अनेक प्रकार की शोभा वाले फूल जल के ऊपर आए हुए हैं। यमुना जी का जल मध्य में बहुत तेज गति से बहता है। बहते हुए जल में भंवरे यानी कि भंवर गोल चक्र दिखाई देती है। जल का रंग दर्पण की तरह अति श्वेत, कौन
कौन कह रहा है सुंदर साथ जी? हमारे धनी कह रहे हैं इंद्रावती जी, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर यमुना जी का कितना सुंदर वर्णन, जो योग माया के नित्य वृंदावन में तब बनाई गई, नया निर्माण किया गया रूहों के लिए आनंद योग माया के द्वारा। वृंदावन में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं जिनकी शोभा अनंत है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर अति श्रेष्ठ वन फल लगे हैं। चारों ओर फूलों की सुगंधि फैली हुई है। वृंदावन में जमुना जी के किनारे अति श्वेत रेती शोभायमान हो रही है। संपूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा आकाश में शोभायमान है, जिसका अति सुंदर स्वर्णिम प्रकाश पृथ्वी पर फैला हुआ है, यानी के योग माया की धरती पर केवल ब्रह्म की भूमिका में फैला हुआ है। फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। कोयल, आप सुन पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? कोयल मधुर स्वरों में बोल रही है। कबूतर और चकोर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक उड़ उड़ कर घूम रहे हैं। कितने सुंदर वातावरण में हमने वो महारास की है सुंदर साथ जी। तोता, पपीहा, झींगुर अपने मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण को आनंदमयी बना रहे हैं। बंदर और मोर तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृंदावन में कस्तूरी मृगों की अपार सुगंधि चारों ओर फैली हुई है। जो दूसरे अन्य प्रकार के पशु पक्षी हैं, वो भी तरह तरह की आकर्षक क्रीड़ाएं करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वृक्षों के बीच में छोटे छोटे चबूतरे भी आए हैं और वृक्षों के नीचे घनी छाया आई है। संपूर्ण वृंदावन खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अपने प्राणेश्वर के साथ अति उमंग भरी क्रीड़ा के लिए श्री इंद्रावती जी के अंदर अपार चाहना है। जमुना के किनारे भ्रमण करती हुई सखियों ने जल के साथ वृंदावन के मधुर फलों का रसा स्वादन किया। क्या किया सुंदर साथ जी? जमुना के किनारे भ्रमण करती हुई सखियों ने जल के साथ वृंदावन के मधुर फलों का रसा स्वादन किया। प्राणाधार श्री राजी सखियों के आगे आगे चलकर वृंदावन को बहुत ही सुंदर तरह से, बहुत अच्छी तरह से दिखाते रहे। अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने ब्रह्मात्माओं के साथ जिस नित्य वृंदावन में लीला की, जमुना जी के घाटों की अनुपम शोभा के साथ वो नित्य वृंदावन परम धाम से भी अलग है और काल माया के इस ब्रह्मांड से भी अलग है। ये स्थान बेहद मंडल के अंदर केवल ब्रह्म की आनंद योग माया के अंदर है। धाम धनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा ये स्पष्ट निर्णय दे दिया है। सुंदर साथ जी, राज श्यामा जी सखियों के द्वारा धारण किए हुए तनों और नित्य वृंदावन की अत्यंत सुंदर शोभा का वर्णन किया गया। वर्तमान में ना तो रास बिहारी जी के तन में अक्षरातीत का आवेश है और ना ही रास में श्री श्यामा जी या अन्य सखियों की सुरताएं हैं, किंतु लीला और सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण वर्तमान में करके ही किया गया है। इसीलिए हर जगह राजी श्यामा जी सखियों का बहुत सुंदर वर्णन आया है। अति सुंदर धाम धनी ने अपने आवेश स्वरूप से आवेशित वाणी सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर इतना सुंदर वर्णन, इन लीलाओं को हमने अपने हृदय में बसाना है ताकि हम मूल मिलावा में होने वाली लीलाओं को अति सुंदरता से समझ भी पाए और अपने हृदय में उनको हृदयंगम भी कर पाए। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ
और श्री कलश हिंदुस्तानी के ये प्रकरण आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप घर में इनको जरूर पढ़िएगा। हो सकता है कोई शब्द रह गया हो जो आपके दिल को और अंदर तक छू जाए, तो स्वयं श्री मुखवाणी का मंथन जरूर कीजिएगा। रास, श्री रास प्रकरण 11 और श्री कलश हिंदुस्तानी, उनका प्रकरण भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हाँ जी सुंदर साहब जी, प्रकरण 20, श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 20 से ये था, तो आप जरूर घर में इनका आनंद लीजिएगा। इसके साथ ही मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी।